कुंड अलग होने के बाद दूसरा लोकसभा दूसरा विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ उस समय हमें आप लोगों के आशीर्वाद से विधानसभा में 2004 में जाने का अवसर मिला। अब देखे होंगे कि उस समय एक भी दामोदर में पुल नहीं था, एक पुल सिर्फ बना था वो चंद्रपुरा में और उसका रोड भी अभी तक नहीं बन पाया, ये दुर्भाग्य की बात है। पुल बना था, बाकी अभी दामोदर में 3 पुल आपके सामने खड़े हैं, एक पुल इस बार में और बनने जा रहा है आपको भंडारी दर के सामने PWD से ही बनने जा रहा है, हमारे पदाधिकारी लोगों को मालूम है इस बात का। कई पुल का जरूरत है इस क्षेत्र में और हम डॉक्टर साहब को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भंडारी दर के बाद 2 पुल और हमारे को बनाना है इस क्षेत्र में, हम लोग प्रयास करेंगे वो बने, जरूरत होगा सांसद महोदय से भी अनुशंसा हम लेंगे। एक पुल चापी और खेतकों के बीच में आसना पानी के बीच हमारा प्रस्ताव है, दूसरा है जरीडी में जो डॉक्टर साहब का प्रस्ताव है, ये 2 पुल बन जाने से हम समझते हैं कि जो नदी के उस पार का जो क्षेत्र है, उस पार का क्षेत्र काफी मतलब सघन एरिया है। शुभ दिन है, 4000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और जो भी उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी वहां पर सशरीर उपस्थित रहना है। उसी के अंतर्गत आज लगभग 10.5 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ, इसका आज उद्घाटन हुआ और इसका नामकरण आज से डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सेतु के नाम से जाना जाएगा। भारत के प्रथम उद्योग मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में रहे और राष्ट्र के पुरोधा के नाम पर इस पुल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नामकरण किया है, हम लोग उनको हृदय से धन्यवाद।